दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक ऐसे नेता की जो बहुत मजबूत इरादे का माना जाता है। कि जिसके बुलंद इरादे की सभी दाद दिया करते हैं, एक ऐसे नेता की कि जिसकी अकेली आवाज से विधानसभा की दीवारें गूंजती हैं, लेकिन अपने एक साथी की इस नृशंस हत्या से वो नेता कहीं टूटता हुआ दिखाई दिया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और हरियाणा के इकलौते इनेलो विधायक, या ये कहूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल के आज कर्ता धर्ता अभय सिंह चौटाला की। राजनीति के अंदर अपने नज़दीकी लोग कई बार उन्हें बीच में छोड़कर चले जाया करते हैं, उनकी मौत हो जाया करती है, और कुछ ऐसा ही हुआ है कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बहादुरगढ़ के दो बार के विधायक नफे सिंह राठी, जिनकी की नृशंस हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, और उनकी हत्या के बाद में जो जिस प्रकार का मैं आपको शब्द मुझे समझ नहीं आ रहे क्या कहें कि अभय सिंह चौटाला उसके बाद में जिस प्रकार से दुखी और जिस प्रकार से अंदर से टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने अभय सिंह चौटाला को नज़दीक से देखा हो वो समझ सकते हैं कि आखिर किसी अपने को खोने का गम क्या होता है। और ये अभय सिंह चौटाला दिखा रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो वाकई उनका परिवार है। नफे सिंह राठी जी की जो नृशंस हत्या हुई, उसके बाद जो पहला बयान आया था अभय सिंह चौटाला का, उन्होंने कहा था कि हमने एक नेता नहीं, मैंने एक अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। और अभय सिंह चौटाला के चाहे वो गुस्से वाले बोल हों, चाहे वो उनके परेशानी वाले बोल हों, जिनसे सब बातों से दिख रहा है, अगर उनके आप चेहरे की भाव भंगिमा देखें तो वो ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जैसे नफे सिंह राठी की मौत से अंदर तक टूटे हैं अभय सिंह चौटाला। जिस प्रकार का उनका माहौल दिख रहा है अभय सिंह चौटाला की जो फेस इंप्रेशंस हैं, आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि अपने एक साथी को खोने का गम क्या होता है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी दो बार विधायक रहे हैं, और जब दोनों बार वो विधायक रहे वो चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी से रहे, भले ही उसका नाम समता पार्टी रहा हो या भले ही उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल या हरियाणा लोकदल रहा हो। आज की जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जिसके कर्ता धर्ता अभय सिंह चौटाला हैं, उन्होंने लगभग दो साल पहले नफे सिंह राठी जी को हरियाणा प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। नफे सिंह राठी किस प्रकार के मिलनसार व्यक्तित्व हो सकते हैं, नफे सिंह राठी किस प्रकार का व्यक्तित्व थे, आप इस बात से मान सकते हैं कि वो जो हरियाणा के एक्स एमएलए की एक एसोसिएशन बनी हुई है उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ दो बार वहां से विधायक रहे, मैंने आपको कई बार बताया, चुनाव जीते भी और हारे भी, ये राजनीति के अंदर बड़ी सामान्य सी बात है कि नेता चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन बहादुरगढ़ की राजनीति आप ये जरूर मान सकते हैं कि नफे सिंह के इर्द गिर्द घुमा करती थी। रोहतक से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, जिन दीपेंद्र हुड्डा के सामने उन्होंने रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने भी उनके यानी कि नफे सिंह राठी के निधन पर जिस प्रकार की संवेदनाएं जताई और जिस प्रकार की बातें कही, वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि हरियाणा की राजनीति के अंदर नफे सिंह राठी का कौन सा कद था। लेकिन ये जरूर है इस बात के अंदर भी एक, हालांकि मुद्दा तो मेरा अभय सिंह चौटाला जी को लेकर है, लेकिन क्योंकि नफे सिंह राठी जी की मौत को लेकर के पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं शोक की लहर है, लेकिन एक बात तो यहाँ भी कहीं ना कहीं चिंता में डालती है या सोच में डालती है कि नफे सिंह राठी जी की मृत्यु पर जहाँ तमाम नेताओं ने इसकी निंदा की, इस पर तमाम प्रकार का गुस्सा और क्रोध जताया, लेकिन जो मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया था उन्होंने इसको हत्या ही नहीं माना था। मुख्यमंत्री के ट्वीट में जो एक्सपर्ट ट्वीट किया गया उसमें तो उन्होंने कहा कि आकस्मिक मौत हुई है नफे सिंह राठी की, जिससे मैं दुखी हूँ, परिवार के साथ खड़ा हूँ। तो क्या मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री कार्यालय को ये भी नहीं पता कि आकस्मिक मौत और नृशंस हत्या में क्या फर्क होता है। खैर, बात मैं अभय सिंह चौटाला की कर रहा था और मैं आपको बता रहा था कि हरियाणा की राजनीति के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चरित्र की जिसके बारे में जिसकी बात को जिसकी बुलंदी से कही जाने वाली बात को हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल और चौटाला परिवार से अभय सिंह चौटाला से इत्तेफाक रखता हो या ना रखता हो,
लेकिन ये जरूर कहा जाता रहा है कि वो इरादे के और अपनी बात के बहुत धनी और बहुत बुलंद हैं। लेकिन एक ऐसे नेता को टूटते हुए, एक ऐसे नेता को अंदर से गमगीन होते हुए, परेशान होते हुए, अगर हम ये कहें कि पूरे हरियाणा की जनता ने देखा है, और अभय सिंह चौटाला ने एक इससे भले ही इसको आज ये बात बताने की नहीं है कि क्या संदेश अग्रेषित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब चर्चा चलती है तो बातें सारी होती हैं। तो अभय सिंह चौटाला ने एक संदेश दे दिया पूरे हरियाणा की जनता को या इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को कि उनकी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वे केवल नेता कार्यकर्ता नहीं बल्कि उनके परिवार का हिस्सा हैं। मीडिया से बात जब अभय सिंह चौटाला ने 2-3 बार अलग अलग की तो हर बार उनके चेहरे पर वो दर्द, वो परेशानी झलक रही थी, जिसमें वो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे जो उनके चेहरे पर दर्द, निराशा, परेशानी झलक रही थी, वो कह रहे थे कि मुझे खुद पुलिस के लोगों ने बताया था कि नफे सिंह राठी जी की जान को खतरा है। अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि मैंने झज्जर के पुलिस अधीक्षक से कहा, हरियाणा के DGP से कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहा, हरियाणा के गृह मंत्री से कहा। लेकिन एक ऐसे नेता को जो न केवल नेता, न केवल किसी प्रमुख विपक्षी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, बल्कि एक समाज का एक बड़ा उद्योगपति कह सकते हैं, समाज का एक बड़ा कारोबारी कह सकते हैं, समाज का एक बड़ा चरित्र कह सकते हैं, आप उन्हें किसी भी लिहाज से लें, लेकिन प्रदेश की सरकार उनकी रक्षा नहीं कर पाई और उनकी नृशंस हत्या हो गई। और अभय सिंह चौटाला ने कई लिहाज से बताया कि वो कितने महत्वपूर्ण थे नफे सिंह राठी उनके लिए, और इसके साथ साथ ये भी संदेश दे दिया कि कितने महत्वपूर्ण हैं उनके लिए इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता, जब उन्होंने कहा कि अगर कहीं मैं नहीं जा पाता था तो वहाँ नफे सिंह राठी सब कुछ संभाल लेते थे। नफे सिंह राठी अभी अपनी मौत से 3 दिन पहले भी नूह जिले में थे, कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी में उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई थी और उस कार्यक्रम के अंदर अभय सिंह चौटाला भी थे और नफे सिंह राठी भी थे। लेकिन ये जरूर है कि नफे सिंह राठी की जो नृशंस हत्या हुई, जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कहें, जिसको कि पॉलिटिकल मर्डर कहें, या जिसको आप कोई भी नाम दें, उसने जहाँ एक तरफ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए, वहीं ये भी बता दिया कि बाहर से कितने ही अपने आप को मजबूत और कितने ही अपने आप को अलग अंदाज का दिखाने वाले नेता अभय चौटाला दिखते हों, लेकिन अगर उनके अंदर कोई झांक कर देखे और जब इस प्रकार की घटना घट जाए तो पता लग सकता है कि अभय सिंह चौटाला जैसा व्यक्ति तो अपने किसी आदमी को खोने पर किस प्रकार से टूटता और निराश होता है। और दूसरा, अभय सिंह चौटाला ने एक बात और अपने इसमें दिखा दी कि वो इतने बुलंद इरादे के व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने एक मांग की थी कि CBI की जांच करनी, जांच के अलावा इससे हम नीचे कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को सदन में कहना पड़ा कि CBI की जांच कराएंगे। भले ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कई प्रकार से अपना पल्ला तो झाड़ रहे हों, लेकिन अभय सिंह चौटाला की चुनौती के सामने हम ये कहें तो सरकार 1 मिनट के अंदर ही घुटनों पर थी। तो इससे ये भी मान सकते हैं कि अपनी बात का लोहा किस प्रकार मनवाया जा सकता है, ये भी अभय सिंह चौटाला ने बता दिया। वैसे आपको क्या लगता है कि नफे सिंह राठी की जो हत्या हुई है, क्या वो वाकई हरियाणा की राजनीति के लिए कोई बहुत बड़ा सबक है? आपको क्या लगता है कि नफे सिंह राठी की मौत से, नफे सिंह राठी जी की हत्या से इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला पर कोई असर पड़ेगा? और आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं क्या कभी भी भूली जा सकती हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।